अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। डॉक्टर दवाई और बीमारी से रहना है दूर। अगर आप खूबसूरत और सेहतमंद रहना चाहते हैं, जैसे ये स्किन है, जैसे बर्तन मांज के रखे होते हैं, हैरान रह जाएंगे और हैरान कर देने वाली अगर आप स्किन चाहते हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये लेडी। माय नंबर वन एंटी एजिंग टिप, मोर देन एनीथिंग एल्स, इट्स नॉट सनस्क्रीन, इट्स नॉट ट्रेटिनोइन, इट इज योर कोलेजन एजेंडा। You need to be anti-aging from the inside out. I've always used this example. When you have a house, the roof tiles are your skin, and you need to take care of your skin so you get that glow. But if you want that plumpness and you want that Barbie look, then you really need to get your collagen agenda. So I'm going to share with you the collagen that I take, that I rely on, that really focuses on hair, skin, and nails. It does not देखा जी, उन्होंने ये ड्रिंकिंग गोल्ड पी के तो उन्होंने अपनी स्किन जो है वो प्लम रखी हुई है। ठीक है, किसी भी किस्म का ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना है इस घी के अलावा, ये जो मैं बताने लगी। और आपने अच्छी नींद जो है वो लेनी है, ठीक है, और अपना जो है वो स्लीपिंग टाइम आपने बहुत अच्छा रखना है, एक्सरसाइज आपने करनी है, और फिर देखिएगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सलाद को आप डेली रूटीन बना लें, ठीक है, इससे आपकी शुगर भी ठीक रहेगी। फ्रूट्स वगैरह भी डेली लेते रहें। अगर आपने अपनी स्किन को अच्छा रखना है, प्लम रखना है, तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं। ठीक है, जो जो मैं आपको बताती हूँ वो आप करें, और फिर देखिएगा आप डॉक्टर से, दवाई से, बीमारी से, सब चीज़ों से दूर रहेंगे। रोटी को बिल्कुल बायकॉट कर दें, क्योंकि आजकल गंदम जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आज बता दूं जी वो रेसिपी जो कि मैं बना के यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी, और अब फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरी दफ़ा बोन ब्रॉथ की, और ये है जी वो गोल्ड जो कि हमने हड्डियों में से निकालना है। हम लोग हड्डियों को ऐसे ही समझते हैं और इनको फेंक देते हैं, हालांकि इनके अंदर जितने मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिशंस हैं ना, आपकी सोच है, ओमेगा 3 इसी में से निकलेगा, देसी घी इसी में से निकलेगा। ठीक है, और पहले जो पहले की एक्ट्रेसेस थी वो सारी तो लगवाती थी जी कोलाजिन के इंजेक्शन, और लेकिन हम ये नेचुरल तरीके से ही हासिल करेंगे। अच्छा जी, इसमें हम डालने लगे हैं जी 1 कप एप्पल साइडर विनीगर। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई सस्ता सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं बहुत महंगा ही आपने अमेरिकन गार्डन का ही लेना है। एप्पल साइडर विनीगर इसमें इसलिए डालेंगे 1 कप कि ये 5 किलो हड्डियां हैं, और इसमें मैंने फुल देश का भरा हुआ जी पानी का, और मैंने काफ़ी दफ़ा एंड तक पानी डाला इसमें, स्टील का देश का लें। और मैंने अच्छा सिरका इसलिए डालना है कि ये हड्डियों को सॉफ्ट करेगा, और इसके अंदर से जितने मिनरल्स हैं ना वो सारे निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने हड्डियों को निचोड़ निचोड़ के इसमें से सारे विटामिन जो है ना वो हमने हासिल कर लेने, और हमने हो जाना है जी खूबसूरत, जवान, ठीक है, एनर्जेटिक। और बच्चों वाली जो माएँ हैं उनको तो एनर्जेटिक होना ही चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, अब इसको 16 से 18 घंटे गुजर चुके हैं और ये बिल्कुल एंड वाली स्टेज है। ठीक है, 2 घंटे पहले मैंने इसमें डाला है लहसुन प्याज, और ये मैंने गाजर डाली है। ठीक है, गाजर आप डालेंगे इसमें, आप मटर भी डाल सकते हैं इसमें, आप शिमला मिर्च, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने तकरीबन आधा घंटा पहले डालेंगे। इतनी देर हमने पहले डाल दी, अगर इतनी देर पहले हम डाल देंगे तो वो फिर जो है ना उसके न्यूट्रिशन सारे बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब जी हमें हो गया जी गोल्ड हासिल हो गया जी, इसमें से गोल्ड निकल आया है। अच्छा, ये जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा, तो प्लीज़ जो है वो मैं इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं ख़ुद पे पहले एक्सपेरिमेंट करके फिर ही आपके साथ शेयर करती हूँ। हड्डियाँ हमने बीच बिल्कुल निचोड़ दी हैं, ये हमने अब फेंक देनी है, ये अब हमारे किसी काम की नहीं रही। ठीक है, क्योंकि हम अगर गोश्त के साथ, एक तो हड्डी लेते नहीं हैं हम लोग, और अगर ले भी लें तो उनको 1-2 घंटा पका के तो हम उनको फेंक देते हैं। अब ये देखिए, मैंने 18 घंटे रखा है इसको, तो 18 घंटे के बाद जो है ये हमारे पास जो है वो देखें, ये मैंने सारा इसको स्टेन कर लिया, और ये खालस घी हमारे पास जो है, ये देखें ये घी घी है, ये है ना गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड की तरह का कलर है, तो बिल्कुल है भी ये गोल्ड ही। ठीक है, ये आप पियेंगे तो आप 95 किस्म की बीमारियों से आपने दूर रहना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये घी हम जो है ये उतार के रख लेंगे। ठीक है, हम इसको अब रेफ्रिजरेटर में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर जब ये घी ऊपर से जम जाएगा बिल्कुल, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, ऊपर से बिल्कुल उतार लेंगे। ये देखिए, नीचे जो है वो बिल्कुल जेली बन चुकी है, जेलेटिन है ये जी, बिल्कुल
कोलेजन समझें, इसमें सारे का सारा ये है ही कोलेजन। कोलेजन के सप्लीमेंट आप डेली लेंगे तो सोचें कि आपकी स्किन जो है वो कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वाइटनिंग की। स्किन आपकी बिल्कुल बारबी डॉल जैसी प्लम प्लम स्किन हो जाएगी। जिनकी स्किन सैगी हो चुकी है, जिनके चीक्स जो है वो प्लम नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे निदा यासर जैसी चीक्स हो जाएँ, फिज़ा अली की तरह के चीक्स हो जाएँ, तो वो फिर ये सूप ज़रूर पिएँ जी। देसी घी जो है इसे हम अंडा फ्राई कर सकते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं। और ये देखें जी कोलेजन जेली की तरह बिल्कुल, और सारी एक्ट्रेसेस जो हैं ये इसके इंजेक्शन लगवा रही हैं, लेकिन हमने इसको प्योर फॉर्म में और ऑर्गेनिक फॉर्म में हमने इसको लेना नेचुरल तरीके से। ठीक है, और ये देखें जी बहुत मज़े का ये था। ये लेडी इसीलिए, ये 53 ईयर की लेडी हैं और ये देखिए इतनी यंग लग रही थी। और ये आपने जो है वो डेली इसको तड़का भी लगा सकते हैं, ठीक है, लहसुन प्याज का। और ये देखें फिज़ा अली की स्किन जो है अभी तक, ये कितनी इसकी एज होगी, ये नूर जहाँ देख लें, इन्होंने भी ये इंजेक्शन लगवा लगवा के कोलेजन के, तो ये इतनी खूबसूरत हैं ये अभी तक। नूर जहाँ भी एंड तक देखा था कि आप कितनी अच्छी उनकी स्किन रही थी, फेस उनका कितना प्लम था, बहुत यंग थी। ठीक है, तो ये देखें जी डेली आप जो है वो एक टाइम, एक दिन में एक दफ़ा आप ये पिए, दो टाइम पीना आपने। ठीक है, रोटी उस दिन नहीं खानी आपने बिल्कुल भी, और ये खाएंगे और उसके बाद जो है एक दिन आप कलेजी लें, एक दिन आप ये ले लें, तो इंशाल्लाह से आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और शुगर वगैरह और बीपी जो है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देखें, इंशाल्लाह से आपको बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये देखें जी पैकेट मैंने बना दिए हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।